चले जी, मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। फेसेट्स के ऊपर जाएंगे। फेसेट्स जो होता है, हमारे पास फ्लैट सरफेस होती है। हमने पहले क्या पता लीनियर एलिवेशन में पढ़ा है, लीनियर एलिवेशन, राउंडेड एलिवेशन, ये पढ़ लिया। पिछली वीडियोज अगर किसी ने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। और मेरा जो ये चैनल है, ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, फिजियोथेरेपी और MBBS के स्टूडेंट्स को, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए, वो पढ़ सकें। तो अब हम फेसेट्स पढ़ेंगे। पहले हमने एलिवेशन पढ़ी है, अब हम लाइन सीधी सीधी कोई चीज़ें पढ़ेंगे जो बिल्कुल सीधी होती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे जो फेसेट जो होती है, वो फ्लैट एरियाज ऑफ द बोन होते हैं। ठीक है, और ये फेसेट ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे कहीं बोन जुड़नी होती है दूसरी बोन के साथ, कोई जॉइंट बनाना होता है वहाँ पे। तो फेसेट्स में हमारे पास नॉर्मली फेसेट जो होते हैं, हमारे पास वर्टिब्रा वर्टिब्रीज में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली फेसेट जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, वर्टिब्रीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ हमारे इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे, जैसे कि हमारी बोन्स हैं आपस में जुड़ रही हैं, जो वो जगह जहाँ पे जुड़ने की जगह है, जहाँ पे वो आपस में एक बना रही हैं, जॉइंट बना रही हैं आपस में, इस तरह से जॉइंट बना रही हैं। तो ये जो जॉइंट जहाँ पे बन रहा है, इसको भी एक उन्होंने क्या किया, फेसेट का नाम दे दिया। ठीक है, उसको भी फेसेट का नाम दिया। फेसेट्स में आगे तीन टाइप्स हैं। ठीक है, राउंडेड है, नकल लाइक है, पुली है। राउंडेड राउंडेड फेसेट होता है, नकल लाइक और पुली। पुली मतलब इस तरह से होता है। ठीक है, पुली आप समझ सकते हैं, नकल लाइक भी समझ सकते हैं किस तरह से होते हैं। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने एग्जांपल याद करनी है। राउंडेड में आपके पास एग्जांपल आती है, राउंडेड में आती है हेड ऑफ ह्यूमरस और फीमर। फीमर और ह्यूमरस एक दूसरे के साथ जहाँ पर मिल रही हैं, वहाँ पर जो राउंडेड बना रही है। मैं आपको उसकी प्लेट दिखा देती हूँ। ह्यूमरस यानी फीमर और फीमर एंड ह्यूमरस, रुक जाए, फीमर और ह्यूमरस को दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, ये क्या बना रही है, एक राउंडेड राउंडेड राउंड और इसके साथ मिल रही है, तो ये राउंडेड फेसेट बना रही है एक जॉइंट के साथ। राउंडेड मीन ऐसे ऐसे मूव करेगी, ये देखिए ये मूव हो रही है। ठीक है, राउंड राउंड मूव करेगी। ये क्या है हमारे पास, राउंडेड फेसेट। ठीक है, जहाँ पे ये वाली मूवमेंट आ रही है उसको कहेंगे राउंडेड। मीन के देखें आप अपना ज़रा शोल्डर उठा के देखिए, तो इस तरह से मूवमेंट होती है। तो ये हमारे पास फीमर में और ह्यूमरस दोनों में प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे पास कंडाइल ऑफ फीमर। मैं कंडाइल ऑफ फीमर आपको, ये तो ये नहीं, फीमर के कंडाइल्स दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये कंडाइल्स होते हैं, इनको कंडाइल्स कहते हैं। कंडाइल्स में आपको बताऊँगी कंडाइल्स किसको कहते हैं। ये कंडाइल्स ऑफ फीमर। ठीक है, ये एलिवेशन, ये एलिवेट हुई हुई हैं चीज़ें, तो इसको कहते हैं कंडाइल्स ऑफ फीमर। तो ये राउंडेड एलिवेशन है। ठीक है, लेकिन ये कंडाइल्स, और ये देखें, ये दरमियान में इंट्राकोंडाइलर फोसा होता है इसके अंदर। ये देखें ना, ये है, मीन कि ये इस तरह से बना हुआ है, और दूसरी बोन ने इसके अंदर आके ऐसे फिट होना है। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, इस बोन ने इस तरह से फिट होना है। तो ये हमारे पास कौन सी एलिवेशन होती है, ये नकल लाइक नकल लाइक फेसेट्स होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जाके कौन सा हेड, टिबिया का हेड आके अटैच हो। अब एक और चीज़ भी दिखाती हूँ आपको, ये भी है और इसकी भी एग्जांपल देख लो। ये कंडाइल्स होते हैं और इसके अंदर ये जगह बनी हुई है ना दरमियान में, ये जगह इसके अंदर आके ह्यूमरस और क्या कहते हैं रेडियस ने इसके अंदर आके अटैच होना होता है, और वो नकल लाइक, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये जगह बनी हुई है। ठीक है, ये है फेसेट जॉइंट्स, फेसेट किस तरह बना रहे हैं। उसके बाद ट्रोकलिया ऑफ ह्यूमरस, तीसरी चीज़ है ट्रोकलिया, तीसरी पुली शेप्ड है। ये देखिए, एक यहाँ पे भी बनता है और एक पुली शेप होता है। मैं आपको दूसरी बोन दिखाती हूँ, अलना यहाँ पे शो तो नहीं हो रहा लेकिन आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये है रेडियस और ये है अलना। ये देखो, जैसे पुली पुली एक दूसरे के साथ फिक्स होती है, इस तरह से ये मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, इस चीज़ को क्या कहते हैं, पुली शेप, जो ट्रोकलिया है ना, ये वाली जो चीज़ है इसको हम लोग ट्रोकलिया कहते हैं, ये वाली जगह को। ये तो ये पुली टाइप बनाती है। पुली किस तरह से होती है आपने देखी तो ये ना, ये भी इस तरह से पुली टाइप। तो ये ट्रोकलिया जो है वो एज आ पुली काम करता है। इसको भी किसमें, फेसेट जॉइंट, क्योंकि ये एक क्या बना रहा है, आर्टिकुलर सरफेस है। आर्टिकुलर मीन दूसरी दूसरा पॉइंट बोन जो है वो इसके साथ अटैच है। ये हो गया हमारे पास फेसेट्स। फेसेट्स के बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे डिप्रेशन पे। डिप्रेशन थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें आपको सारी चीज़ें मुझे दिखानी होगी कहाँ कहाँ डिप्रेशन है, बल्कि काफ़ी चीज़ें जो है वो मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ डिप्रेशन की। लेकिन हम लोग इन्हीं तीन बोन्स के ऊपर सारा ये टॉपिक कवर करेंगे। और अगर आपके पास, अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो प्लेट नंबर 406, प्लेट नंबर 476 एंड प्लेट नंबर 473,
प्लेट नंबर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 473, ठीक है, 406 एंड 476, 406 और 476, इन तीन प्लेट से जितना अच्छा पढ़ा जाता है आप पढ़ लें, आप इनके नाम वगैरह याद करेंगे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से याद होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पिट डिप्रेशन, पिट फोबिया, अब हम डिप्रेशन के ऊपर आ जाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में डिप्रेशन जो है वो मैं कंप्लीट करूँगी।